भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के इतिहासकार और अधिकृत विद्वान के रूप में सुनील कोठारी जी की न केवल भारतीय अपितु विश्व मानचित्र में असंदिग्ध प्रतिष्ठा है। वे आज हमारे साथ कुछ समय के लिए बातचीत में उपस्थित हैं। सुनील कोठारी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार चित्रा जी। सुनील जी ने न केवल भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का विशद अध्ययन किया बल्कि लोक नृत्य, लोक संस्कार और हस्तशिल्प के ज्ञान को अबेरते हुए भारतीय नृत्य की नई दिशाओं को अपनी दृष्टि में रखा। प्रदर्शनकारी कलाओं में रस की उपस्थिति पर सुनील जी का काम बहुत महत्वपूर्ण है। कला क्षेत्र में अधिकांश लेखक ऐसे होते हैं जिन्हें कला का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता। आशय यह है, ना चित्रकार, ना वादक, ना गायक, ना नर्तक आदि। बावजूद इसके वे विद्वान लेखक हैं जिन्हें पढ़ते हुए कला के प्रति ना राग जागता है ना सौंदर्य बोध। इस मानक पर डॉक्टर सुनील कोठारी अपवाद हैं। उन्होंने भरतनाट्यम व कथक नृत्य की शिक्षा नृत्य गुरु के संरक्षण में लेकर हासिल की। अन्य नृत्यों को जब उन्होंने अपने लेखन का विषय बनाया, बकायदा उनके गुरुओं के साथ उनका लंबा सतत सत्संग व संवाद रहा। कह सकते हैं उनका ज्ञान अनुभव किताबी नहीं है। उन्होंने व्यावहारिक शिक्षा के बिना उस विधा के विषय में कभी न लिखा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भारतीय नृत्यों के उच्च शैक्षणिक विकास के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। भारतीय नृत्य विधाओं पर उनकी कई किताबें हैं। देश विदेशों में उन्हें शिक्षण कर्म के लिए समय समय पर बुलाया जाता है। भारतीय नृत्यों पर किसी भी सेमिनार और शैक्षणिक संवाद में उनकी उपस्थिति के बिना उसे संपूर्ण नहीं माना जाता है। उनके ऐतिहासिक अवदान के लिए उन्हें बहुत से महत्वपूर्ण पुरस्कारों के साथ पद्मश्री और संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो फिर शुरू करते हैं सुनील जी से बातचीत करना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो सवाल भेजे बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं अपने सामने अपना वो कंप्यूटर में खुला रखा है क्वेश्चन, सो आई कैन रीड देम एंड आंसर देम। शायद मैं अंग्रेजी में भी बोलूंगा या हिंदी में भी बोलूंगा, जैसी सुविधा होगी, जैसे मेरे विचार आएंगे ऐसे बताऊंगा। सुनील जी, जैसे आप अकेले ऐसे लेखक हैं जिन्होंने कथक और भरतनाट्यम की व्यावहारिक शिक्षा गुरुओं के संरक्षण में प्राप्त की, आपकी अनेक किताबें ऐसी हैं जो मील का पत्थर है मानी जाती है, तो क्या नृत्य शिक्षा और गुरुओं से प्राप्त व्यावहारिक शिक्षा ने आपके लेखन में कुछ विशेष जोड़ा? पहला सवाल आपने पूछा है कि मैंने कथक की शिक्षा भी ग्रहण की है, पर वो मैंने देवधर क्लास में एक प्रदीप प्रसाद नाम के गुरु थे, रतिकांत भी, उन्होंने सिखाया था। मैंने कुचिपुड़ी का नहीं लिया था। आई स्टडीड भरतनाट्यम फ्रॉम कल्याण सुंदरम एंड ही वॉज माई गुरु एट राजराजेश्वर भरतनाट्य कला मंदिर इन बॉम्बे। नाउ दोनों गुरुओं से जो मैंने प्राथमिक शिक्षा जो ली है उसका बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि आई कुड राइट बेटर। तो मेरा मानना है कि अगर जो कोई लेखक लिखना चाहे तो उसको कुछ प्रायोगिक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इससे बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि आप टेक्निक समझते हैं, और अगर इफ़ यू आर ए गिफ्टेड राइटर, इफ़ यू हैव गुड कमांड ओवर लैंग्वेज एंड इंग्लिश और हिंदी, आप दोनों में अच्छा उसका जवाब दे सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि लेखन में मुझे इसका बड़ा एडवांटेज हुआ है। आपने लगभग 4 दशक तक टाइम्स ऑफ इंडिया में कला पर लिखा,
आपको एक खास एक दी गई स्पेस में लिखना होता था। तो कला समीक्षक के लिए जो ये एक बंदिश है, क्या न्याय संगत है? या कहे कि कला समीक्षक के लिए जो ये एक बंधन था, उस पर आप अपने अनुभव हमें बताएं, या आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं अंग्रेजी में लिखता था, इवनिंग न्यूज ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया का पब्लिकेशन, बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने 40 साल से ऊपर ज़्यादा लिखा है। तो इसमें स्पेस में हम उन दिनों में 400 शब्दों में लिखना पड़ता, छोटा स्पेस मिलता था। पर जैसे शो खत्म होता था, हमें इमीडिएटली जाके ऑफिस में बैठ के टाइपराइटर पर टाइप करना पड़ता था, और हम उसको अंदर भेजते थे, वापस आता था। उन दिनों में तो टाइप बनाते थे ना, तो ऐसा अत्यार जैसा कंप्यूटर ऐसा वो नहीं था उन दिनों में। अच्छा, तो वो स्पेस अभी कम हो गई है। तो न्याय संगत हो या कह समीक्षा के लिए संबंधन अनुपर आपकी प्रतिक्रिया, अभी आपने कहा वो ठीक है। अभी मेरी प्रतिक्रिया ये है कि हमें अभी जो मौका मिला है ऑनलाइन पर लिखने का, उसमें हम काफ़ी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो। किंतु एक हमारी लिमिटेशन ये है कि वी आर नॉट एबल टू सी ए लाइव परफॉर्मेंस, वी आर वॉचिंग ए परफॉर्मेंस इन जूम। सो पॉसिबली वन विल हैव टू एडजस्ट टू एक्सेप्ट दिस थिंग दैट वी हैव टू सी द परफॉर्मेंस इन जूम एंड देन राइट रिव्यूज ऑन ऑनलाइन अबाउट द परफॉर्मेंस दैट वी सी। सुनील जी, भारतीय नए नृत्य पर आपकी एक किताब बहुत चर्चा में है, तो इसके लिखने के पीछे आपकी दृष्टि और क्या सोच रही? मैंने जब बार के लिए न्यू डायरेक्शन इंडियन डांस किताब लिखी, तब ये भी हमने माना था कि सिर्फ केवल शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जो मैंने किताबें लिखी, इसके अलावा भी जो नई परंपरा शुरू हुई है, नए नए डांस होने लगे हैं, प्रयोगात्मक राइट फ्रॉम मृणाली निसाराबाई, कुमोदी निलाख्या, चंद्रलेखा, आस्था देबू, उत्तरा शकुल्ला वाला, तो वो भी एक हमारी मंजूश्री चाकी सरकार फ्रॉम कलकत्ता, रविंद्रनाथ टैगोर की तो रविंद्र शैली है ही, तो इन पर भी लिखना चाहिए। और जो नए नए कलाकार अपना नया नया काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा होनी बड़ी आवश्यक है, इसीलिए वो किताब लिखी गई थी। सर, लगभग सभी नृत्य रूपों पर आपका ऐतिहासिक काम है, इन सारी विधाओं पर सीखते हुए आपको इन नृत्यों में उभरता कोई भी एक कॉमन पॉइंट मिला, और वो क्या है? कॉमन पॉइंट तो स्वाभाविक है चित्रा जी के, दैट इज रस सिद्धांत, भाव विभाव अनुभव संचारी संयोगात रस निष्पत्ति भवती। तो हर एक नृत्य शैली में अंत में जो ध्येय होता है वो रस निष्पत्ति का होता है। तो रस निष्पत्ति इज कॉमन टू ऑल द डांस फॉर्म। सपोज मैं गया सत्रिया डांस देखने के लिए आसाम में, तो वहाँ भी मैंने देखा कि भक्ति भाव प्रधान है, पर वहाँ भी डांस जमा होते हैं, तो डांस जमा में विविध अलग भाव भी आ सकते हैं। तो सबसे कॉमन पॉइंट है हमारी प्रत्येक नृत्य शैली का, वो है नृत्य शास्त्र में जो उल्लेख किया गया है, वो रस सिद्धांत का। आज आपसे एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि आपने अपने इस जीवन में बहुत से नृत्य परफॉर्मेंस को देखा, बहुत से गुरुओं के परफॉर्मेंस को देखा, ऐसा कोई सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस आपकी स्मृति में हो जो वो आप हमसे आज जरूर साझा कीजिए? ये तो बहुत बड़ा डिफिकल्ट सवाल है, फिर भी बता सकता हूँ कि मुझे सबसे याद रहा है और अभी तक मेरे मन में जो है वो है गुरु केलुचरण महापात्र ओडिसी का, गीत गोविंद पर उन्होंने जो कल्पना की है वो बहुत सुंदर थी। उनके संचारी भाव उपजंग जो किए थे वो बहुत अच्छा थे, जैसे कि गुरुयदु नंदन चंदन शिशिर तरेण करेण पयोधरे। तो संभोग के बाद जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में राधा विनंती करती है कि हे कृष्ण आके मेरे बाल संवारो, उसने जो ललित कुसुमानी काम चेष्टा करते करते हमारे जो फूल गिरे उसका बनाए मेरे बाल संवारी वगैरह, तो उसका गुरुजी ने बहुत सुंदर रसबंद किया था। उसमें एक प्रसंग ऐसा आता है कि गुरुजी चंदन खींचते हैं राधा के मुख पर, तिलक वगैरह करते रहते हैं, फिर एक दफ़े राधा यहाँ बैठी है तो उसके बाल संवारते वक्त उसकी अंगूठी वो पहनी है। तो वैसा एक शिल्प भी है वहाँ कोणार्क में, अंगूठी में छोटा सा मिरर है, जब कृष्ण पीछे आते हैं तो कृष्ण का प्रतिबिंब वो अंगूठी में पड़ता है, वो देख के राधा बड़ी लज्जित होती है, तो कृष्ण उसको फिर से उठा के उसको चुंबन करते हैं। अब मुझे आश्चर्य हुआ कि कैसे कृष्ण केलू बाबू ने संयोजन किया, उसका मैं बता नहीं सकता, उनकी जो काष्ठा है उन्होंने तो क्या अद्भुत काम किया है।
तो कहा एक शिल्प में अंगूठी बताई, अंगूठी में मिरर बताया और मिरर में एक प्रतिछाया आई। आहा हा, मैं इसका तो रस दर्शन करा कभी भूलता नहीं हूँ। हमेशा कहीं भी मुझे बोलने को पूछते हैं मैं गुरु जी के बारे में बताता हूँ। उसने उसका भी बहुत सुंदर काम किया था, वो था राधा को बस कर लूँगी। तो अपने के कथक के महान गुरु पंडित बिरजू महाराज वो कृष्ण बने और वो राधा बने। तो उन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कलकत्ते में प्रोग्राम किया था, हजारों की मेदिनी लोग आ रहे थे। तो राधा कैसे बनकर कृष्ण के पैर दबाना, कृष्ण को यू नो पवन पंखा की सेवा करना और क्या क्या उन्होंने किया, तो सारे लोग शब्द होके केलू बाबू को ही देखने लगे। तो अपने बेचारे पंडित बिरजू महाराज कृष्ण के रूप से बड़े व्यथित हो गए कि बोली ये तो राधा राधा मेरे से भी अच्छा काम कर रही है और लोग उसको ही देखते रहते हैं। पर ये दोनों का जो अभिनय था वो अद्भुत अभिनय था। तो ये मैं भूल नहीं पाता हूँ। और भी तो बहुत प्रसंग है, मैंने तो बहुत कुछ देखा है, आपकी बात सही, पर वो उसके लिए और एक समय पर बात करेंगे। असम नृत्य का इतिहास लेखन में आपका महत्वपूर्ण अकेले काम की श्रेणी में आता है। आपने देश विदेश में शिक्षण कार्य भी किया है। इतिहास लेखन में सैद्धांतिकी और व्यावहारिक दोनों का योग है, इसको आप किस श्रेणी में रखेंगे? ऐसा है कि जब तक आपको प्रायोगिक माने प्रयोग और सिद्धांत थियरी दोनों का समझ होना बहुत जरूरी है। अगर आप थियरी समझे तो अच्छा लगता है। हम तो छोटे थे तब गुरु सिखाते, तो उन दिनों में तो बम्बई में हमारे जैसे कला क्षेत्र में नाट्यारंभे वारी वाहे वने वस्तु निश्चित ने जो अपना अभिनय दर्पण है उसके जो श्लोक है उसके विनियोग वगैरह पताक त्रिपताक वगैरह बताए पताका त्रिपताक वगैरह वो हम नहीं सीखते थे, कॉपी करते थे अनुवाद करते थे। पर जब सीखने लगे तो बड़ा अच्छा लगा, उसका भाव क्या है, किस तरह अंगूठी रखना, किस तरह हाथ रखने चाहिए, वो कैसे ध्वजा बनती है, ये उसको कैसे संवारते हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि अगर आप थियरी जाने और इसके पीछे का रहस्य समझे तो आपके नृत्य में अलौकिक भाव आएगा, नृत्य चमत्कारिक बनेगा। तो मैं मानता हूँ कि ये दोनों बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ हिंदी में तो आप जानते हैं जितना व्यवहार है वैष्णव जितना जी हमारी हिंदी में बहुत अच्छा काम करती हैं, आप अच्छी लिख रही हैं, हमारी और कौन है शशि प्रभा तिवारी हैं, हमारी मंजरी सिन्हा जी हैं वो भी बहुत अच्छा लिखती है हिंदी में, अंग्रेजी में लिखती है, हिंदी में संस्कृत में हिंदी में नृत्य एवं संगीत दोनों की समीक्षा करती हैं, अंग्रेजी में भी लिखती है पर हिंदी में ये लोगों का रविंद्र मिश्रा जी का काम बड़ा अच्छा है। इन लोगों ने काफ़ी लिखा है और संभाला है, तो हमें लगता है कि इन लोगों का हमें स्वीकार करना चाहिए। आपने पूछा है कि आपने देश विदेश में शिक्षण कार्य भी किया है, तो इतिहास लेखन में सिद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों का योग है, आप इस किस श्रेणी में रखेंगे? तो मैंने देश विदेश में भी देखा है कि वहाँ भी लोग थियरी भी जानते हैं और प्रैक्टिकल भी जानते हैं। कभी कभी तो उनका ऐसा काम बनता है कि जहाँ काम बहुत अच्छा होता है तो वो इसमें से थियरी नहीं बनाते हैं कि ये काम ऐसा हुआ तो किस इस पर अनुवाद स्टडी करके बताया जाए कि उसमें सिद्धांत कैसे आगे आ रहे हैं। नृत्य कला शिक्षण की वर्तमान दशा दिशा पर आपका क्या मंतव्य होगा? देखिए अभी तो हमारे कथक केंद्र में अभी भी कभी लोग जाके सीखते हैं, परंतु वास्तव में ऑनलाइन पर सिखाना पड़ता है। ऑनलाइन भी थोड़ी गड़बड़ है कि बच्चे शुरू में बच्चे को आप ताल बाल तो ऑनलाइन भी नहीं सिखा सकते हैं, कहीं गड़बड़ कर देते हैं। आपको जो एडवांस कोर्स है उसमें आप अच्छी तरह सिखा सकते हैं, कहीं थोड़ी कहीं लिटिल वन सेकंड और टू सेकंड का फर्क आता है, वो यू कैन ओवरकम बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट, यू आर सीनियर, यू आर मैच्योर। तो मेरा ये मानना है कि अभी जो परिस्थिति है उसका हमें स्वीकार करके बिल्कुल हमें इस तरह उसका ऑनलाइन में जितना सिखा सके सिखाना चाहिए। जितने जूम होते हैं, हमारे रतिकांत महापात्र अभी जो श्री यूनिवर्सिटी हुई है कटक में, तो वहाँ राहुल आचार्य का एडवांटेज लेके वो नाट्य सर बहुत अच्छी बात करते हैं। हालांकि 200 रुपया चार्ज करते हैं तो बहुत छोटी बात है, पर नाट्य का अच्छा शिक्षण देते हैं। तो मैं मानता हूँ कि अभी जो अवस्था वर्तमान दशा है मैं उसमें कभी हमें निराश नहीं होना है, जितना जूम पर हम देख सकते हैं वो देखना चाहिए। ऐसा मैं जरूर मानता हूँ कि जूम आप दिखाओ तो ठीक से दिखाइए, पीछे अच्छा बैकड्रॉप होना चाहिए। अब अपना ड्राइंग रूम में या किचन में आप नृत्य रखो बैकड्रॉप तो अच्छा नहीं लगता है, तो उसका एस्थेटिक मानना पड़ेगा। तो ये हमें
कोविंद की जो परिस्थिति आई है तो हमको वो सिखाता है कि एस्थेटिक क्या है, आपका बैकग्राउंड भी अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन बड़ा अच्छा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का पूरा पूरा आपको एडवांटेज लेना पड़ेगा। अगर आप एडवांटेज नहीं लेंगे तो आप कहीं के रह नहीं पाएंगे, यू विल नॉट बी कीपिंग पेस विद द टाइम दैट वी ऑल आर फेसिंग एंड दिस टाइम्स आर नॉट गोइंग टू गो अवे इमीडिएटली, वी डू नॉट नो कि हमारा कोविड का कब खत्म होने वाला है। कला शिक्षा व समीक्षा के भारत में भविष्य को में मतलब भारत में इसके भविष्य को लेकर आप किस तरह देखते हैं? कला शिक्षा का तो ऑनलाइन से करना पड़ेगा और समीक्षा जो हमें जितनी स्पेस मिलेगी, और अगर हमको जैसे कभी मैंने न्यूयॉर्क में रेजिंग बॉर्डर्स डांस फेस्टिवल देखा था, उसमें उन्होंने 8 शैलियों का प्रेजेंटेशन किया था पर रिकॉर्डिंग बड़ा अच्छा किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने अच्छी समीक्षा लिखी। अब तो जानते हैं हमारे यहाँ अनीता रत्नम जी हैं, वो अपना न्यू अपना वो चलाते हैं ना नर्तकी ऑनलाइन nartaki.com, उसमें बड़ी अच्छी समीक्षाएँ आती हैं, अंग्रेजी में आती हैं, फोटोग्राफ भी लगाते हैं, कभी कभी लिंक भी भेजते हैं जिससे आप प्रोग्राम देख सकें। अभी मैंने देखा है वो बिंबावती का गुरु बिपिन सिंह और कलावती की बेटी का मणिपुरी का ईमा अमाने मदर, उस पर बहुत सुंदर कार्यक्रम, उसकी लिंक भी मैंने अपने फेसबुक में भेजी है। तो अच्छा भी लिखने को हमें चांस मिलेगा, अच्छा देखने का भी चांस मिलेगा। तो मैं मानता हूँ कि जो टेक्नोलॉजिकली सेवी हैं वो अच्छा काम करेंगी और अपना काम इस तरह प्रेजेंट करेगी कि लोग उससे लालायित होते रहेंगे कि चलो हमें देखना है। जैसे आप लोगों ने अभी जो मैं जब आया था तो आप लोगों ने सेमिनार किया सी वी रामन यूनिवर्सिटी में, कितना अच्छा सेमिनार हुआ था, कितना मुझे जानने को मिला था, कई लोगों ने भी अपना डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखाया था। वो ऐसा प्रोग्राम हमारे जूम में होने वाला है, वो हमें उस पर आधार भी रखना पड़ेगा। इस आभासी प्लेटफॉर्म पर कला समीक्षा, विजुअल प्रस्तुतियाँ और विजुअल आर्काइव्स को लेकर आपकी क्या दृष्टि है? मैं मानता हूँ तो बहुत बड़ी बात है। देखो आपने भी कितना सुंदर काम किया कि आपने मेरा इंटरव्यू विजुअली आपने लिया है, तो मैं अभी बोल रहा हूँ और ये बात में रिकॉर्ड हो जाएगा, कई कई विजुअल रिकॉर्डिंग तो काफ़ी एक साल में तो कई, जब से लॉकडाउन हुआ है लोगों ने काम शुरू कर दिया है। और मैं मानता हूँ कि हर एक आर्काइव बनेगी। हमारा एक बद्री दिव्य भूषण करके एक भरतनाट्यम डांसर मैसूर में है, इन्होंने लगभग 80 आर्टिस्टों का परिचय अभी तक करवा लिया है। एक हमारा और भी मित्र है विजय शर्मा, वो है अहमदाबाद में, उसने भी कई लोगों के बड़े बड़े आर्टिस्टों का इंटरव्यू करके रखा है। तो ये सब इंटरव्यू बहुत काम आने वाले हैं, ये बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट आर्काइव। मैंने खुद भी अभी इंटरव्यू दिया था तो उसमें मेरी पूरी जीवन की कथा मैंने बताई थी कि हाउ आई बिकेम ए डांस क्रिटिक और मैंने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, ऐसा मेरा जूम में कभी कभी मेरा भी आता रहता है। तो मैं मानता हूँ कि ये आर्काइव बहुत अच्छी बनेगी, ये बहुत अच्छा काम आपने भी जो ये इनिशिएटिव लिया है इसलिए मैं आपको अनेक धन्यवाद देता हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ कि आप जो काम करती है उसमें मेरा पूरा सहयोग हो गया, मैं अपने दिल से खुले दिल से आपकी स्तुति करता हूँ, आपको बहुत धन्यवाद। नमस्कार फॉर इन्वाइटिंग मी टू स्पीक ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन द 10 I'm trying to do what I can read while reading and talking to you. तो आपको बहुत धन्यवाद और मेरा नमस्कार। नमस्कार सुनील जी से आज छोटी ही सही पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और बातचीत, एक सार्थक बातचीत हमारी उनसे हुई। डॉक्टर सुनील कोठारी, आपका हमारे साथ उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपसे उम्मीद भी करते हैं और निवेदन करते हैं कि कला से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ में आप हमारे साथ पुनः उपस्थित होंगे। एक बार आपका बहुत बहुत आभार।